तो हम आ चुके हैं हमारे WCC3 के कैरियर मोड के एक और मैच के साथ, और बंगाल थंडर्स वर्सेस दिल्ली स्टॉर्म के बीच ये मैच है। यहाँ पर फिलहाल टॉस का समय और टेल्स हमने आज चूज़ किया है, क्योंकि पिछले दो मैच में हम लगातार हेड्स चूज़ कर चुके हैं। तो स्वागत करते हैं यहाँ पर आज के इस मैच में आप सभी का। और टॉस हम जीत चुके हैं, बॉलिंग का फैसला कर लिया हमने, और जो हमारी ओपोनेंट टीम है, दिल्ली स्टॉर्म की टीम है, उनकी टीम की तरफ से दो ओपनर्स जो हैं वो चुने जा चुके हैं और वो आ भी चुके हैं ग्राउंड में। एक हैं सेन और एक अर्नव हैं। तो अब ये डी सेन राइट हैंड बैट्समैन जो कि स्ट्राइकर एंड पर मौजूद रहेंगे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और पहला ओवर डालने के लिए हम खुद ही आ चुके हैं, 3 मैचेस 1 विकेट, बॉलिंग एवरेज 28 का, और सारी चीज़ें लगभग ठीक हैं। और एक जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है हमारा वो ये है कि 1 विकेट और 9 रन पर फिलहाल यहाँ पर आते ही हमारी पहली बॉल पर छक्का लग चुका है। अब ये क्या मज़ेदार चीज़ है हमें समझ में नहीं आ रहा, पर ठीक है। यहाँ पर फिर से हम थोड़ा सा गुड लेंथ पर रखने की कोशिश की हमने, और बिल्कुल ये एक डॉट बॉल रही, और अच्छा खासा डिफेंस किया इस बॉल पर। जो पहली वाली बॉल थी ना वो एक हमने विकेट के रूप में देखा, पर ये वाली जो बॉल थी ये एकदम हमने बिल्कुल परफेक्शन रखने की कोशिश की, एक अच्छी बॉल डालने की कोशिश की। यहाँ पर फिलहाल ऑन साइड की तरफ शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, और सिर्फ 1 रन। डबल की कोशिश की जा सकती थी, पर ठीक है, अच्छी बात है वो नहीं कोशिश की उन्होंने। इस बार गुड लेंथ की और थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ स्पिन कराने की कोशिश की हमने, और बिल्कुल वही चीज़ हुई। वहाँ पर एक शॉट खेला, फील्डर मौजूद, और एक सिंगल मिला। इस बार थोड़ा सा बाहर से अंदर ले आने की कोशिश, और फिर से वो ही सेम शॉट। और ये काफ़ी अच्छा एक चॉइस रहता है कि मतलब जहाँ पर गैप है, अगर आपके पास चौका या छक्का निकालने का मतलब शॉट नहीं है, तो फिर आप गैप में खेल करके एक सिंगल या डबल ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से लॉफ्टेड शॉट, और ओहो, 1 विकेट आज भी हमने ले लिया है। और जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है ना हमारा, 1 विकेट और 9 रन, वो ये है, यहाँ पर आ चुका है। और फिलहाल कैच की अगर हम बात करें तो एक खान ने कैच किया, और दुबे वो तो खैर हम ही बॉलिंग कर रहे थे, और एम सही लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब ये आ चुके हैं, और देखना चाहेंगे हम कि ये कितने रन्स बनाते हैं। इनसे पहले जो बैट्समैन थे वो तो कोई बहुत ज़्यादा रन्स बना करके गए नहीं। खैर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 रन आए इस पहले ओवर में, और डी सेन जो है वो अभी भी मौजूद है, 4 बॉल में 8 रन उन्होंने बनाए हैं। और जो अर्नव थे वो जा चुके हैं, वो 1 रन बना करके जा चुके हैं। और फिलहाल सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि एक नया बैट्समैन आ चुका है, एम सई आ चुके हैं, और वो कैसा खेलेंगे हम देखना चाहेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर डी सेन ये तो कमाल कर रहे हैं, और एक और छक्का लगा दिया इन्होंने, 2 छक्के ये अभी तक लगा चुके हैं। पिछले ओवर की पहली बॉल पर 1 छक्का, इस ओवर की पहली बॉल पर 1 छक्का, और 5 बॉल में 14 रन। ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर गुड लेंथ की बॉल रखने की कोशिश की है बॉलर ने, और ओहो हो, यहाँ पर गैप में शॉट खेला है, पर रन के लिए नहीं भागे। ये गैप में शॉट खेलने का मतलब क्या हुआ जब आप रन के लिए भाग ही नहीं रहे, एक सिंगल या डबल नहीं ले रहे। और एक चीज़ हाँ बिल्कुल तय है कि अगर ये सिंगल या डबल लेने की शुरुआत कर देना ये जो ओपोनेंट टीम्स हैं हमारी, तो ये जो 45-50 रन का टारगेट देते हैं ये कुछ 60 या 65 रन का टारगेट हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल फिर से एक गैप में शॉट खेला, और इस बार रन के लिए भागे, इस बार सही फैसला जो रन के लिए भागे। और यहाँ पर फिलहाल जो सेन है, जो डी सेन है, वो थोड़ा सा ग्लव्स को टाइट करते हुए, और ग्लव्स को टाइट करने की क्या ज़रूरत है, आप वैसे भी बहुत कमाल का खेल रहे हैं अभी तक के, पर हम देखना चाहेंगे कि अब ये जो इन्होंने ग्लव्स टाइट किया है तो ये अब यहाँ से और कितनी तेज़ी पकड़ते हैं। एम सई की ये पहली बॉल है, और गैप में इन्होंने शॉट खेला है, एक सिंगल मिलेगा, और इस एक सिंगल के साथ वापस से स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं डी सेन। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ग्लव्स टाइट किया था, फुल टॉस लेंथ की ये बॉल है, और डिफेंस किया है इस बॉल पर, 9 बॉल में 15 रन, ठीक ठाक इनिंग्स खेल रहे हैं ये अभी तक के। दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, 17 रन बन चुके हैं अभी तक के, और 1 विकेट सिर्फ गया है, वो जो एक हमने विकेट लिया था सिर्फ वो ही 1 विकेट गया, बाकी और कोई विकेट अभी तक के गया है नहीं। यहाँ पर फिलहाल फुल लेंथ की ये बॉल है, सामने की तरफ ये शॉट है, और ओके, यहाँ पर सिर्फ 1 सिंगल,
जिस हिसाब का ये शॉट था ना, अगर थोड़ी सी प्लेसमेंट अच्छी रहती तो ये पूरी तरीके से चौका रहता। पर ठीक है, यहाँ पर भी एक सिंगल मिलना चाहिए, पर दौड़े ही नहीं हैं एक रन के लिए। और ये बहुत ही ख़राब निर्णय जो ये दौड़े नहीं, 10 बॉल में 15 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं। यहाँ पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला इन्होंने और क्या कमाल का खेला है, और इस लॉफ्टेड शॉट के साथ 21 रन पर पहुँच चुके हैं वो मात्र 11 बॉल में। और दिल्ली स्टॉर्म की टीम का टोटल स्कोर है 24 रन और डी सन ने अकेले 21 रन बना दिए। यहाँ पर फिलहाल एक सिंगल लिया और इस एक सिंगल के साथ 25 रन बना चुकी है दिल्ली की टीम, दिल्ली स्टॉर्म की टीम। और यहाँ पर जो विकेट कीपर है वो थोड़ा सा फील्ड को सेट कर चुके हैं, तो देखना हम चाहेंगे कि इस फील्ड को सेट करने का क्या कुछ फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, एक छक्का लग चुका है। और ये जो बॉल थी ना, ये बॉल उस हिसाब की नहीं थी, मतलब जिस तरीके की फील्ड आपने सेट की है उस तरीके की नहीं थी। इस बार सामने की तरफ शॉट खेला है और सिर्फ एक सिंगल ही मिलेगा, और इस एक सिंगल के साथ ये जो ओवर रहा ये ओवर 15 रन का रहा। खैर, तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 32 रन 1 विकेट। और वो जो एक विकेट हमने लिया था उसके अलावा और किसी ने विकेट लिया ही नहीं, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि कोई और भी रहे जो एक विकेट और ले, क्योंकि ये एक पूरा टीम गेम है। 11 प्लेयर्स रहते हैं एक टीम में और सबके अच्छे प्रदर्शन के साथ टीम जीतती है, वरना तो फिर वो 1 vs 11 वाला ऐसा तो कुछ मैच है नहीं। और अगर वो होता तो फिर हम बिल्कुल पूरी जान लगा करके खेलते और जिता देते अकेले ही अपनी टीम को, पर वो चीज़ यहाँ पर होना संभव भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये जो ऐसा मतलब ये जो ऐसी चीज़ है, ये जो फॉर्मेट है कि 10 प्लेयर वो रैंडमली खेलेंगे और उसमें एक आप रहेंगे, तो वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर फ़िलहाल 2 डॉट बॉल्स हो चुकी हैं बैक टू बैक, और डी सेन जो हैं वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, और 2 बॉल नहीं 3 बॉल हैं डॉट हो चुकी हैं लगातार। यहाँ पर यॉर्कर लेंथ की बॉल और एक और बॉल डॉट हो चुकी है, और डी सेन जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं, अगर वो स्ट्राइकर एंड पर होते तो काफ़ी अच्छे खासे वो रन्स बना देते। पर ये जो एम सही हैं, ये काफ़ी डॉट बॉल्स खेलने के बाद, 4 डॉट बॉल्स खेलने के बाद 5वीं बॉल पर एक छक्का लगाया इन्होंने। अब 4 बॉल अगर आप डॉट खेल चुके हैं उसके बाद फिर एक छक्का लगा दे रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा। यहाँ पर शायद फिर से एक छक्का, और बिल्कुल एक छक्का है। तो इस ओवर के रन्स तो निकाल दिए इन्होंने, 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं, और 4 बॉल पहली डॉट रही, उसके बाद लगातार 2 छक्के लगाए। और जो आखिरी वाला छक्का था वो तो खैर हेलीकॉप्टर शॉट था। 4 ओवर का मैच हो चुका है, 44 रन्स बना दिए हैं इन दोनों प्लेयर्स ने मिल करके, और इन्हीं दोनों प्लेयर्स ने नहीं, अर्नब ने 1 रन बनाए थे, पर हाँ जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों का है। अब ए राव या ए सिंह किसको लेकर के आया जाए, आर राव या ए सिंह किसको लेकर के आए वो सोच रहे हैं, तो ए सिंह को लेकर के आते हैं, क्योंकि पिछला वाला जो मैच था उसमें ये हमारी टीम के लिए मैच विनर रहे। आखिर 2 बॉल में 6 रन या 7 रन जो चाहिए थे वो इन्होंने ही बनाए, और 6 रन चाहिए थे आई थिंक। तो यहाँ पर फिलहाल सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि करंट रन रेट जो है वो 10.56 का है, और इस तेज़ी के साथ खेलना ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के मैच में हम एक अच्छी इनिंग्स खेलें, क्योंकि जो पिछला वाला मैच था उसमें हम कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। 24 रन की इनिंग्स हमने खेली थी, हाँ वो एक अच्छी इनिंग्स थी, पर हम मैच ख़त्म करके नहीं जा पाए। तो हम चाह रहे हैं आज के इस मैच में कि कम से कम इस मैच को हम ख़त्म करके जाएं, वो जिता करके अपनी टीम को जाएं। यहाँ पर फिलहाल गुड लेंथ की एक बॉल थी, और इस गुड लेंथ की बॉल के साथ इस ओवर में 4 बॉल हो चुकी और सिर्फ 1 रन आए हैं। यहाँ पर भी कुछ खास रन्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि फील्डर मौजूद है, और सिर्फ 1 सिंगल और 2 रन आए हैं मात्र इस ओवर में, और आखिरी बॉल अभी भी बची हुई है। अब देखना यह है कि आखिरी बॉल पर छक्का आता है या क्या आता है, और छक्का बिल्कुल। और इस वजह से हमने ये अंदाज़ा लगाया ना, क्योंकि जब पूरा ओवर अगर हमने मतलब अभी तक के जो 3-4 मैचेस हमने खेले हैं, हाँ ये तीसरा मैच है, तो अभी तक के जो हमने देखा है कि अगर पूरा ओवर ठंडा जा रहा हो तो आखिरी बॉल पर एक छक्का लग ही जाता है। तो ये मैच कुछ ऐसा है। और अगर हम हमारी बात करें तो सबसे अच्छी बॉलिंग हमने ही की है, और ए सिंह ने 8 रन दिए हैं, ए सेन ने भी 8 रन दिए, पर विकेट किसी ने नहीं लिया, विकेट सिर्फ हमने लिया है।
और 53 रन्स चाहिए अब हमारी टीम को जीत के लिए। तो अब हम देखना चाहेंगे कि हमारी टीम की तरफ से कौन अच्छा खेलने वाला है, कौन कमाल का खेलने वाला है। और स्ट्राइकर एंड पर फ़िलहाल हम ही मौजूद रहेंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमने आज सक्सेना को रखा। और अब थोड़ा सा स्टैट्स देख लिए जाए हमारे, तो 3 मैचेस 2 इनिंग्स 25 रन्स टोटल और 24 जो है वो बेस्ट स्कोर है। और स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो वो तो खैर 208 का है, तो स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर पहली बॉल पर थोड़ा सा पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, तो पहली बॉल पीछे की तरफ शॉट खेला है, गुड टाइमिंग के साथ खेला है हमने और एक सिंगल लिया 29 बॉल्स में 52 रन्स। काम ये मुश्किल है, पर अभी हम सोच ये रहे हैं कि थोड़ा सा और लास्ट तक के लेके जाएं इस मैच को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मतलब जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको अभी स्ट्राइक पर रखा जाए। फ़िलहाल यहाँ पर फिर से पीछे की तरफ शॉट खेलेंगे और एक सिंगल लेंगे और वापस से स्ट्राइकर एंड पर लेके आएंगे सक्सेना को। परफेक्ट टाइमिंग के साथ हमने ये शॉट खेला है और 2 रन मिल सकता है, तो बिल्कुल लेने की कोशिश। और ओहो पहुँच गए हैं, बिल्कुल पहुँच गए थे हम। और जैसे ही वो पहला रन हमने मतलब टच किया ना क्रीज को या लाइन को, तो फिर तुरंत ही हम दूसरे रन के लिए भाग गए, कोई भी देरी नहीं की हमने। पर अभी यहाँ पर 28 बॉल में 47 48 ऐसे ही कुछ है। पर यहाँ पर जो सीन मज़ेदार है ना वो ये, हाँ 26 बॉल में 49 रन्स और इस एक डॉट बॉल के साथ अब 25 हो चुका है। तो एक चीज़ और है जो मज़ेदार है और उसके बारे में बात करना ये ज़रूरी है कि हमने 4 बॉल खेल ली हैं और 3 रन बनाए हैं हमने अभी तक, और इस एक बॉल के साथ 5 बॉल में 4 रन। तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी कम चल रहा है, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम जो है ऐसा खेल करके जाएं कि मैच फंस जाए। तो खैर ठीक है, यहाँ पर फ़िलहाल एस सक्सेना को हमने वापस से स्ट्राइकर एंड पर रखने की कोशिश की है, और अगर वो नहीं रहेंगे तो हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल अभी वो स्ट्राइकर एंड पर नहीं है, तो यहाँ पर एक सिंगल लेंगे और स्ट्राइकर एंड पर लेकर के आएंगे एस सक्सेना को। और यॉर्कर लेंथ की ये बॉल है, ऑन साइड की तरफ शॉट खेला है, परफेक्ट टाइमिंग है और डबल मिल सकता है यहाँ पर, तो बिल्कुल अरे रे रे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और एस सक्सेना 2 मैच में मतलब पहले मैच में अच्छा खेले थे वो, दूसरे मैच में वो अच्छा नहीं खेल पाए, इस मैच में हमने उनको रन आउट करा दिया। अब एस वर्मा हैं तो उनको लेकर के आते हैं, राइट हैंड बैट्समैन। और अब यहाँ पर ना एक प्लेयर को हम रन आउट करवा चुके हैं, तो हमारा अच्छा खेलना बिल्कुल बनता है। तो अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा खेलने की। 6 बॉल में 5 रन हम अभी तक के बना चुके हैं और टारगेट जो है वो 53 रन्स का है अभी तक का, मतलब जो पहले 2 मैचेस हमने खेले हैं वो कुछ 48 और 45 रन्स का टारगेट हमें मिला था, पर ये वाला जो मैच है इसमें हमें ज़्यादा टारगेट मिला है। अभी तक के जो हमने मैचेस खेले हैं 2 मैच, तो इस तीसरे वाले मैच में सबसे ज़्यादा टारगेट है, 53 रन्स का टारगेट है और एक सिंगल लिया यहाँ पर हमने। और जब तक वैसे हम मैच में मौजूद रहेंगे ना तब तक मैच ख़त्म हुआ नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत है हमें, और जो हमारे साथ हैं वो भी कुछ कमाल करें, कम से कम एक छक्का लगाएं, क्योंकि सारा प्रेशर हम खुद ही पर लेकर के और फिर लॉफ्टेड शॉट खेलें और अगर हम आउट हो जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक ख़राब सिचुएशन हो जाएगी हमारी टीम के लिए। और ओहो हो यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट खेलना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, एक मजबूरी हो चुकी थी। 9 बॉल में 6 रन बनाकर अब हम जा रहे हैं और बहुत ही ख़राब ये शॉट था, टाइमिंग इसकी बहुत ख़राब थी, अच्छी नहीं थी। और अब एम सही आ चुके हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और अब यहाँ से मैच जीतना ये तो नहीं हो पाएगा, और नहीं इस वजह से हो पाएगा, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि आप लास्ट तक के इस मैच को देखिएगा, हो सकता है कुछ देखने को मिले। पर फ़िलहाल यहाँ पर अभी तक के जैसा सीन है कि ये मैच जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 19 बॉल्स में 45 रन्स बनाना ये काम मुश्किल है, अगर हम रहते तब हो सकता है हो जाता। यहाँ पर फ़िलहाल एक छक्का लगा दिया है बैट्समैन ने आते ही, और एम सई ने आते ही एक छक्का लगा दिया है पहली बॉल पर, और उस एक छक्के के साथ अब 18 बॉल में 39 रन्स चाहिए, पर काम वो भी मुश्किल है। पर हम देखना ज़रूर चाहेंगे कि अब हमारी टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो कैसा करने वाले हैं,
क्योंकि टारगेट हाँ ये बड़ा है, पर उस बड़े टारगेट को चेज करने में क्या ये कोशिश दिखाते हैं? और बिल्कुल कोशिश तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर एक छक्का, इस ओवर की पहली बॉल पर एक चौका और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 12.35 का है। यहाँ पर फिलहाल एक लॉफ्टेड शॉट और खेला था और एस वर्मा का विकेट जा चुका है। 3 बॉल में 5 रन बना करके वो जा चुके हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, एक चौका लगाया उन्होंने और ठीक ठाक खेल करके जा रहा है। और ठीक ठाक खेल करके इस वजह से क्योंकि हम तो 8 बॉल में 5 रन बना करके गए थे, उनका स्ट्राइक रेट तो कम से कम अच्छा है, 100 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है उनका। और ए सिंह आ चुके हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और ए सिंह आज के मैच में कैसा खेलने वाले हैं, क्योंकि पिछला वाला जो मैच था ना उस मैच के आखिरी 2 बॉल में एक चौका और एक छक्का लगाया था इन्होंने, और यहाँ पर छक्के के साथ फिर से शुरुआत की है। और पिछले मैच में जहाँ छोड़ा था इन्होंने वहीं से शुरुआत की है इस मैच को। और जैसा ये मैच चल रहा है ना, हमें लगता तो है अभी तक कि मतलब वो एक बीच में उम्मीद सी जगी है, पर देखना होगा। और बिल्कुल यही चीज़ है, इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले थे कि एक छक्का लगाना या एक चौका लगाना वो काम अलग है, और वो कुछ 19 बॉल्स में 45 रन्स बनाना ये काम अलग है, वो उतनी लंबी इनिंग्स खेलना एक काम अलग है। क्योंकि एक चौके या एक छक्का लगाने में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपकी स्किल की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इतना तो तय है कि 19 बॉल्स में 45 रन्स उसके काफ़ी हद तक करीब तो हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं ये बैट्समैन। अब एक खान आ चुके हैं, ये भी लॉफ्टेड शॉट लगाए हैं और इनके इस लॉफ्टेड शॉट के साथ एक और छक्का मिला हमें। और यहाँ पर फ़िलहाल ये जो हैं खान साहब, ये थोड़ा सा ग्लव्स को टाइट कर चुके हैं, तो हम देखना ज़रूर चाहेंगे कि ये ग्लव्स को टाइट करने के बाद और कितने कमाल के शॉट्स लगाते हैं। अभी फ़िलहाल 1 बॉल 6 रन और 1 बॉल अभी भी बची हुई है। यहाँ पर फुल लेंथ की ये बॉल है और ओके डॉट रही ये बॉल। और इस ओवर की अगर हम बात करें तो इस ओवर में 16 रन आ चुके हैं और फ़िलहाल 3 ओवर का मैच हुआ है। 30 रन बनाए हैं हमारी बंगाल की टीम ने और सबसे ख़राब वैसे हमारा ही प्रदर्शन रहा है, मतलब रन्स हमने सबसे कम नहीं बनाए, पर हाँ वो एक चीज़ है जो 9 बॉल में 6 रन बना करके हम चले गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमने मैच को फंसा सा दिया था, पर ठीक है कोई बात नहीं, वो कभी कभी होती हैं चीज़ें। पिछले वाले मैच में आखिर हम मैन ऑफ द मैच थे, पर यहाँ पर एम सई जो कि पहली बॉल पर छक्का लगा चुके थे, यहाँ पर उनका विकेट चला गया है और बोल्ड होकर के गए हैं वो। अब डी जैन आ रहे हैं और इनके बाद जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे बॉलर्स ही हैं, कोई भी ऑलराउंडर है नहीं। तो अब हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये दोनों कम से कम यहाँ से थोड़ा टिके रहें और मैच को ख़त्म करने की कोशिश करें। वैसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अगर अब एक विकेट गिर गया ना, यहाँ पर फिलहाल एक और छक्का लगाया और इससे एक छक्के के साथ अब 10 बॉल में 17 रन चाहिए। 10 बॉल में 17 रन, क्या ये काम हो सकता है? देखना होगा। डी जैन ने आते ही पहली बॉल पर एक छक्का लगा दिया। यहाँ पर फिर से फुल लेंथ की ये बॉल है और पीछे की तरफ बॉल गई है, रन के लिए दौड़े हैं और बहुत ही कमाल का फैसला ये रन के लिए दौड़ने का। और अब 9 बॉल में 16 रन, ये काम क्या हो सकता है? यहाँ पर गुड लेंथ की बॉल है और सामने की तरफ ये शॉट खेला और सिंगल मिलना चाहिए, पर दौड़े नहीं है ये सिंगल के लिए, एक रन ले सकते थे वो। 8 बॉल में 16 रन, यहाँ पर जो हमारी ओपोनेंट टीम है, जो दिल्ली की टीम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रही है। और वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स हैं ना वो क्या कमाल का ही खेले हैं, मतलब जब हम आउट होकर के चले गए थे तो वहाँ पे 19 बॉल्स में 45 रन्स चाहिए थे और अब 8 बॉल में 16 रन और इस एक रन के साथ 7 बॉल में 15 रन। अब देखना ये होगा कि ओवर की आखिरी बॉल पर क्या होता है। गुड लेंथ की ये गुड लेंथ की बॉल थी और पीछे की तरफ खेला है, और वैसे ये गुड लेंथ नहीं, शायद शॉर्ट लेंथ की बॉल थी, पर जो भी लेंथ की ये बॉल थी, ये क्या कमाल का ही काम कर रहे हैं ये सारे बैट्समैन हमारे। और 44 रन्स बना चुकी है हमारी टीम, 5 विकेट खो चुके हैं, पर ठीक है। डी जैन की अगर हम बात करें तो 13 रन उन्होंने बनाए हैं 3 बॉल में, और जो खान है वो अभी तक के उतना ज़्यादा स्ट्राइकर एंड पर आए नहीं है, पर जितना भी आए हैं, जो 4 बॉल उन्होंने खेली हैं उसमें भी वो 7 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट उनका भी अच्छा है।
यहाँ पर फिलहाल सामने की तरफ शॉट खेला है उन्होंने और रन के लिए नहीं भागे हैं। 5 बॉल में 9 रन चाहिए और रन के लिए नहीं भागे हैं। देखना ये होगा इस बॉल पे ये क्या करते हैं। फुल लेंथ की ये भी बॉल है और इस बॉल को भी सामने की तरफ खेला और यहाँ भी नहीं भागे हैं। ये काफ़ी बड़ी बाउंड्री, आप एक रन कम से कम ले सकते हैं, एक सिंगल ले सकते हैं और वापस से डीजन को स्ट्राइक रन पर ला सकते हैं। क्योंकि ये अगर हम खान की बात करें तो 6 बॉल में 7 रन उन्होंने बनाए हैं और यहाँ पर गैप में थोड़ा सा शॉट खेला है। पहला रन तेज़ी के साथ, दूसरा रन क्या पूरा कर पाएंगे, और बिल्कुल पूरा किया है। थ्रो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और शायद इसी वजह से 2 रन पूरे हो गए। यहाँ पर फिलहाल फिर से फुल लेंथ की बॉल है और सामने की तरफ शॉट पर डॉट रही ये बॉल और 2 बॉल में 7 रन चाहिए। अब अगर 2 चौके लगे तो मैच में कुछ हो सकता है, या फिर अगर छक्का और 1 चौका लगा। यहाँ पर फिलहाल छक्का तो शायद है ये, और बिल्कुल है ये छक्का। तो एक चीज़ तो तय है कि ये मैच टाई तो यहाँ पर हो चुका है, बस 1 रन और चाहिए आखिरी बॉल पर। और पिछले मैच में हमने देखा था ये सिंह को छक्का मारकर जिताते हुए और यहाँ पर ओहो मिड विकेट का फील्डर मौजूद था और 1 रन हम नहीं ले पाए। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ पर हम आउट होकर के गए थे हमारी टीम ने कम से कम टाई करवा दिया इस मैच को, तो हम इस प्रदर्शन से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। बाकी अगले मैच में मिलते हैं।